नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, कितना फोटो कॉपी देना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, कितना कॉपी फोटो देना है, कैसे एनवेलप के भरना है और कैसे आपको पोस्ट ऑफिस से और कैसे स्टैम्प पेपर देकर आपको चिपका के आपको भेजना है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसके अलावा आप हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, कमांडर द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से निकल के आया है। इसमें आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कुक बार बार के लिए पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको एक सीट है। यहाँ पर आप SC ST OBC EWS हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल रखा गया है 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज। लेवल 4 तक आपको पे स्केल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और स्किल होना चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में हिंदी और इंग्लिश में। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर में आपको 50 मिनट इन इंग्लिश में और 65 मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। कुक के लिए बात करें तो इसमें आपको 3 पोस्ट है। SC के लिए 1, OBC के लिए 1, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 1, PD OBC कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल रखा गया है लेवल 2 तक। रुपीस 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक है। यहाँ पर कुक के लिए आवेदन करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इंडियन कुकिंग में आपको क्षमता होना चाहिए। बार बार के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। UR के लिए 1, SC के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए 1। यहाँ पर आप OBC ST कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको पे स्केल रखा गया है लेवल 1 तक 18,000 से 56,900 तक। इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और बार बार में आपको क्षमता होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एज लिमिट रखा गया है 18 से 25 तक। जनरल के लिए SC ST कैंडिडेट 5 ईयर छूट मिलेगा यानी 30 ईयर तक। OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर यानी 20 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट 10 ईयर तक छूट मिलेगा यानी 35 तक और ESM कैंडिडेट के लिए 3 ईयर यानी 28 तक आपको छूट मिलेगा। तो इस फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 26 नवंबर से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2022। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 26 नवंबर से 2 दिसंबर का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है यहाँ पर सबके लिए। पे स्केल रखा गया है जिसके बारे में मैंने बता दिया। एज लिमिट 18 से 25 तक और इस छूट के बारे में भी मैं आपको बता दिया। वैकेंसी डिटेल्स में आपको 7 सीट है स्टेनोग्राफर कुक और बार के लिए। डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से अगर आप हाइस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC ESM कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हो तो, और इसका फॉर्मेट भी जिसके बारे में मैंने आपको बाद में बताऊंगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा। 10 का पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। डोमिशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा। आइडेंटिटी के थ्रू 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देकर कैटेगरी देकर SC ST जनरल ESM EWS जो है यहाँ पर आपको देना होगा और एप्लीकेशन आपको रजिस्टर माध्यम से भेजना होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पर बताया गया है रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट आपको सेपरेटली एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। नो ट्रैवलिंग अलाउंस डेयरनेस अलाउंस विल बी एडमिशन इन रिटर्न एग्जाम ऑन स्किल टेस्ट यानी आपको कोई ट्रैवलिंग पास नहीं मिलेगा। पोस्टल डिले विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज रीजन यानी अगर आप भेजते हो तो किसी भी कारण अगर डिले होता है तो इसके लिए ऑफिस से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट बाय हैंड कुरियर और मेल और फैक्स। ऑल एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड थ्रू रजिस्टर पोस्ट, यानी आपका जो पोस्ट होगा रजिस्टर माध्यम से आपको भेजना होगा। तो दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन की फॉर्मेट है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना होगा और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास होना चाहिए।